हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। सो मैं बात करूंगा आज अंडों को लेकर, हाउ मच एग इज सेफ फॉर यू इन अ डे, कितने अंडे आप खा सकते हैं। तो उससे पहले जिस किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाकर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं अपना वहाँ रूटीन और डाइट प्लान सारा का सारा वहीं शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ जाकर मुझे फॉलो कीजिए। सो आज बात करूँगा अंडों की, हाउ मच एग इज सेफ फॉर यू इन अ डे। मैं बहुत से अपने भाई बंधुओं को देखता हूँ कि एक ही दिन में 10 से 12 अंडे खा लेते हैं, जो वो सिर्फ एक से दो मील के अंदर में खाते हैं। तो वो सरासर गलत है। आप अपने अंडों की जो क्वांटिटी है 10 से 12, उसको पूरा डिवाइड कर दीजिए पूरे डे के अंदर। फर्स्ट मील में कम से कम 3 अंडे लीजिए, फिर ऐसे मील टू मील आप बांटते रहिए उनको शाम तक का। अगर आप एक बार में 10 से 12 अंडे खाओगे तो वो आपके लिए कहीं भी फायदेमंद नहीं होगा, आपको कहीं भी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, आपको नुकसान ही होगा उस चीज़ का। और सारा का सारा जितना भी प्रोटीन है, जितना भी उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट है, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको शायद बेटर पता है क्या चीज़ मुझे एलिमिनेट करनी है और क्या चीज़ मुझे कंज्यूम करनी है। तो अगर आप एक दिन के अंदर 10 अंडे खा रहे हैं तो प्लीज़ इसी को डिवाइड कीजिए, ताकि आपको पूरा का पूरा न्यूट्रिशियस वैल्यू पूरा का पूरा उसमें मिल सके। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी नए शुरुआती दौर पे जो जिम पर जाते हैं, तो वो उनको सिर्फ और सिर्फ एक मील में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होल्ड कर सकते हैं अपनी बॉडी पे। अगर उससे ज़्यादा अपनी बॉडी पे प्रोटीन होल्ड करेंगे तो वो पूरा का पूरा वेस्टेज है। तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इतना एक्स और इतनी मीन प्रोटीन की वैल्यू लीजिए कि 20 से 25 ग्राम में मेजर हो सके। अगर उससे ज़्यादा आप लोगे तो वो आपके लिए पूरा वेस्टेज है, आपके पैसों का भी वेस्टेज है और आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकता है। ये बात रही अंडों की। अब मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे बैक साइड पे या मेरे फेस पे पिंपल आ जाते हैं ज़्यादा एग्स खाने से। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि सेम कंडीशन व्हेन आई स्टार्टेड माय जिम, तो यही चीज़ मैं भी फेस करता था। सो मैं इससे कैसे रिलेट हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनेगा। तो अगर आप कम क्वांटिटी में पानी पीते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपकी जो पानी की वैल्यू है, पानी कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीजिए, और साथ ही साथ जितने भी सीजन फ्रूट्स हैं हमारे, ऑरेंज वगैरह, उनको कंज्यूम कीजिए, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट हो सके, हर समय हाइड्रेट रहे और आपको पिंपल्स ना ही आएंगे इससे। तो ये बात रही पानी की, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना है आपको, 4 से 5 लीटर कम से कम। और साथ में अगर जिस किसी की भी वेबसाइट पे आपके अगर जिसको पिंपल्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कम से कम आप कुछ और यूज़ का यूज़ कर सकते हैं, उससे आपके जितने भी पिंपल्स वगैरह उससे कम हो जाते हैं। तो मैं भी उसे यही यूज़ करता था पहले। और साथ ही साथ जो आप अंडे का येलो पार्ट खा रहे हैं, तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट है, जो आपकी बॉडी पे कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा रहा। तो आप अगर खाना ही चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर पे एक या दो कंज्यूम करिए, तो उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता आपको। तो प्लीज़ जो चीज़ें मैं आपसे बोल रहा हूँ तो इन्हें फॉलो कीजिए, शायद आपको भी मेरी तरह फ़ायदा मिलेगा। सो यही चीज़ मैंने ही फॉलो की थी, और आप देख सकते हैं अभी मेरा फेस क्लीन है। तो इससे पहले मैंने भी, जब मैं 10 से 12 अंडे एक ही बार में लेता था, तो उस टाइम पे मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी ब्लोटिंग से रिलेटेड और जितने भी एक्ने से रिलेटेड। तो मैंने इस बार में इसी चीज़ में स्टडी की और पता किया कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है। तो वही चीज़ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आई होप यू ऑल enjoyed दिस वीडियो, शायद आपको पसंद आई। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि
थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिल सके। और साथ ही साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके ऑल अराउंड जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, सारों पे शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच सके। और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ में चाहिए, किस टॉपिक में चाहिए, ताकि मैं उस वीडियो बना सकूँ। सो प्लीज़ आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। वेरी